जिन समय सीता मैया रावण लंका का मायने ले गयो, उन समय श्री राम भगवान किन प्रकार पांच बानरो बिड़लो फेरियो भरी सभा में। हो जी पांच बानरो बिड़लो बनायो, पांच बानरो बिड़लो बनायो, रामचंद्र जी भरी सभा में फिर आयो, पांच बनारो बिड़लो बनायो जी, रामचंद्र जी भरी सभा में फिर आयो, उन बिड़ला ने कोई नहीं झेले, उन बिड़ला ने कोई नहीं झेले, जब हनुमत लियो रे उठाई बजरंग बाला जी रे मारो बेड़ो, हो मारो बेड़ो, हो मारो बेड़ो लगा दी जुबारी बजरंग बाला जी। रामचंद्र जी भरी सभा में फिरवायो, उन बिड़ला ने कोई नहीं झेले, जद हनुमत लियो उठाए बालाजी महाराज, वो पांच बन्ना को बिड़लो झेलियो, और उन समय आगे कई बात बनी, बिड़लो उठायो मुख में दबायो, शरणा में शीश नवायो, हनुमान जी महाराज बिड़लो उठायो मुख में दबायो, शरणा में शीश नमायो, और आगे वो कर किलकारी कूद गयो सागर, कर किलकारी कूद गयो सागर, यो तो पनगट आसन लगाई बजरंग बाजी, बजरंग बाजी हनुमान जी महाराज वो बिड़लो उठायो और मन में विचार कियो, अगर सीता मैया लंका में है, अगर सीता मैया लंका में है तो आपने प्रगट पे समाचार मिल जावेला। हनुमान जी महाराज लंका को जब पनगट हो पनियरा पानी भरवा के लिए आते, हनुमान जी महाराज उन्हें पनगट पे जाकर के आसन लगा देवे, हनुमान जी महाराज पनगट का किनारे बैठा, अतरा का बीच में पानी की पनियारिया पानी भरवाई, तो पानी की पनियारिया हनुमान जी महाराज ने देखिया, वे पनियारिया विचार करवा लगी, अरे यो एडो विचित्र जीव गुण है हनुमान जी महाराज रो रूप पहली बार देखियो, कि आदो मनुष्य आदो वानर यो रूप पहली बार नजर आयो, वे पानी की पनियारिया देखते ही घबरावा लगी, मन में विचार कियो यो विचित्र जीव है तो है गुण, पानी री पनियारे आपस में बात करवा लगी, कई बात करवा लगी, वो जी पानी री पनिहारिया बोली यो तो उनी जनावर आयो, पानी री पनिहारिया बोली अरे कुणी जनावर आयो, हर गांव में पांच चार औरता मिल जाए तो आपस में बातचीत करें,
उन समय पणगढ़ में बेटी बेटी पणियारिया बातचीत करवा लगी कि पानी की पणियारिया बोली यो कौन जनावर आयो। वतरा के बीच में एक पणियारी कहवा लगी वे नवे अपना राजा रावण जिन सीता ने चुरान लाया यो वेनी में वटा को बंधा रहे और वटा को पायक है जो इन लंका में पतो लगावा के लिए आयो सीता मैया को। तो दूसरी पणियारी के कहने लगी कि जिन देशरी लायो सीता जिन देशरी लाया सीता यो तो वटर बंदर आए बजरंग बाजी पणियारे आपस में बातचीत करे हनुमान जी महाराज सारी बातों ने सुन ली। हनुमान जी महाराज ने पक्को विश्वास है कि सीता मैया रावण की लंका में ही है। तो अब इतनी बात सुनी हनुमंत ने कूद बाग में आयो जिन वृक्ष नीचे सीता मैया विराजमान उन्हीं वृक्ष में हनुमान जी महाराज जिन पेड़ नीचे सीता मैया बैठा जिन डाल नीचे सीता मैया बैठा अरे मुंदड़ी दे छिटकाई बजरंग बाजी रे मारो बेड़ो ओ मारो बेड़ो सियावर रामचंद्र भगवान की निशानी श्री राम भगवान की निशानी सीता मैया अपनी गोद में देखी मां सीता री आंखें भराई हे प्रभु आपनी निशानी इन लंका में। तो उन समय की कवि की कल्पना बड़ी सुंदर बात लिखी है ओ सीता माता की गोदी में माता सीता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी माता सीता की गोदी में हनुमत डारी मुंदड़ी ओ हनुमत डारी सीता माता की गोदी में कपि छिटकाई मुंदड़ी और सीता मैया की गोद में भगवान की निशानी सीता मैया मन में विचार क्यों लंका में रावण की लंका में माना प्रभु रिया मुंदड़ी या निशानी कौन ला सके। अत्रा का बीच में हनुमान जी महाराज में वृक्ष कूद पड़िया और क्यों है मां जय श्री राम। हनुमान जी महाराज के मां जय श्री राम। सीता मैया ने विश्वास नहीं होयो। सीता मैया मन में सोचवा लगा कि यो कोई कोई रावण को दूत है यो कोई कोई रावण को दूत है और मन मनावण के लिए लंका में अनेक प्रकार को रूप रचायो और यह भगवान की निशानी भी कोई छल वल आई है। तो हनुमान जी महाराज ने सीता में यह पूछने लगा कि भाई ए जीव बता तू कौन है और हमारा प्रभु रे यह निशानी सारे पास में कठो आई। हनुमान जी महाराज कहो माँ मारे पे आप विश्वास करो भगवान श्री राम आपरा दर्शन खातिर भेजिया और माँ आपने विश्वास नहीं होवे अणी लिए आपने भगवान आपने निशानी मने दी है और माँ मारे पे विश्वास करो भगवान श्री राम को पायक हनुमान मारो नाम है माता अंजनी मारी माँ है केसरी मारा पिताजी को नाम का देख मुंदड़ो सोचे वाला कि यो तो गुणी जनावर लाया
जी मारो बेड़ो ओ मारो बेड़ो लगाई चुकमा बजरंग बाला जी Yeah, yeah.